अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माई चैनल। ड्रामा से मुश्किल के नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल के नेक्स्ट वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि हरीम समीन के घर पे चली गई है, यानी उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। बेचारी समीन बहुत सीधी, बहुत मासूम है, हरीम की बातों में आ गई है, जिसके बाद वहीं पर असफन भी आ जाता है। यानी असफन तो इंटरेस्टेड हो गया है हरीम में, उससे मोहब्बत कर बैठा है। जब वो हरीम को अपने सामने देखता है तो हरीम से यही कहता है कि आप यहाँ पर, यानी हरीम को और असफन का इस तरह से आपस में मिलना, हरीम को यानी असफन को हरीम का इस तरह से आपस में मिलना समीन को एकदम शौक हो जाता है। जिसके बाद समीन यही बात कहती है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले जानते हैं क्या। ये बात सुनने के बाद हरीम उससे कहती है कि हाँ, हम इस तरह से एक दूसरे को जानते हैं जैसे तुम और फराज जानते हो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बात सुनने के बाद असफन के दिल में और ज़्यादा गहरी जगह बन गई। ये बात सुनने के बाद असफन के दिल में हरीम के लिए और ज़्यादा जगह बन गई है। जिसके बाद असफन हरीम से यही कहता है कि आप जा रही हैं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। यानी उनका रिलेशनशिप देख के समीन एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि हरीम ने पूरा बेवकूफ़ बना दिया है समीन को, उसकी ज़िंदगी में मुश्किल पैदा करने वाली है। जिसके बाद हरीम समीन से यही बात कहती है कि तुम अगर कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें चाहिए। अगर तुम उल्टे मशवरे देने लग जाती है समीन को उसका घर ख़राब करने के लिए, यानी उसको फराज की नज़रों में गिराने के लिए उसको उल्टे पुल्टे मशवरे दे रही है, और बेचारी समीन को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हरीम की बातों में आ जाएगी। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि फराज जिस लड़की से मोहब्बत करता था, यानी अमरीका जाना चाहता था, उसे शादी करना चाहता था, वो लड़की अचानक से पाकिस्तान आ जाती है और फराज से घर पर आ जाती है। फराज एकदम सरप्राइज हो जाता है जब उस लड़की को देखता है। तो वहीं पर समीन भी होती है, समीन काम कर रही होती है। जब समीन फराज और उस लड़की को इतना क्लोज देखती है तो समीन भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन वो लड़की जब समीन को देखती है कि फराज का इसके साथ क्या ताल्लुक है, यहाँ पर कौन है, तो एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है वो लड़की। जिसके बाद फराज से वो अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर देगी, यानी फराज में बहुत ज़्यादा गुस्से होती है। ये सब कुछ हो जाने के बाद फराज की वालदा को बहुत गुस्सा आता है समीन के ऊपर, जिसके बाद वो समीन को डांटने लगती है और उससे यही कहती है कि इस घर की तुम इज्जत कभी भी नहीं हो सकती, और आइंदा के बाद अगर तुम मेहमानों के सामने आई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम सिर्फ यहाँ पर एक मजबूरी की वजह से लाई गई हो। समीन ये बातें सारी सुन सुन के थक चुकी है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे समीन की वालदा उसको यही कहती है कि बेटा तुमने सब्र करना है, सब्र से अपना, जिसके बाद समीन की वालदा यही कहती है कि बेटा तुमने सब्र करना है और सब्र से हिम्मत हौसले से तुमने कामयाब होना है, यानी अपना घर बसाना है। समीन बहुत ज़्यादा रोती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। अगर फराज उस लड़की के साथ अमरीका चला गया और समीन को छोड़ दिया, यही सोच सोच के समीन परेशान हो रही है। जबकि दूसरी तरफ हरीम पूरी तरह खिलाफ कर देती है असफन को समीन के, जिसके बाद हरीम यही बातें बताती है, जिसके बाद हरीम असफन को सब कुछ बताती है और उससे गलत फहमी में डाल देती है। उससे यही कहती है कि आप नहीं जानते कि समीन और फराज के दरमियान जो मुश्किलात है वो सिर्फ समीन की वजह से ही है, यानी समीन ही इस मुश्किलात की वजह है। हरीम की ये बात सुन के असफन एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है। जिसके बाद हरीम यही कहती है असफन से कि समीन अभी भी कॉन्टेक्ट में है अपने पुराने मंगेतर के साथ, यानी अपने एक्स मंगेतर के साथ। ये बात सुन के असफन बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है, यानी हरीम का जो काम था उसने कम्प्लीट कर दिया है, यानी असफन को खिलाफ कर दी है समीन के। जबकि दूसरी तरफ फराज बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उसकी अमेरिका वाली जो गर्लफ्रेंड है वो उसको छोड़ के चली गई है, उसने अपना सारा रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद फराज बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सा हो जाता है। जबकि असफन यही समझ रहा है कि फराज समीन की वजह से परेशान है, इनके दरमियान ज़्यादा इख्तलाफात आ गए हैं। यानी अब ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आपको ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माई चैनल। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं।
आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में ना सिर्फ फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि हरीम समीन के घर पे चली गई है, यानी उसको बेवकूफ बनाने के लिए। बेचारी समीन बहुत सीधी बहुत मासूम है, हरीम की बातों में आ गई है, जिसके बाद वहीं पर असफन भी आ जाता है। यानी असफन तो इंटरेस्टेड हो गया हरीम में, उससे मोहब्बत कर बैठा है। जब वो हरीम को अपने सामने देखता है तो हरीम से यही कहता है कि आप यहाँ पर, यानी हरीम को और असफन का इस तरह से आपस में मिलना, हरीम को और असफन का इस तरह से आपस में मिलना समीन को एकदम शौक हो जाता है। जिसके बाद समीन यही बात कहती है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले जानते हैं क्या। ये बात सुनने के बाद हरीम उससे कहती है कि हाँ, हम इस तरह से एक दूसरे को जानते हैं जैसे तुम और फराज जानते हो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बात सुनने के बाद असफन के दिल में और ज्यादा गहरी जगह बन गई हरीम के लिए और ज्यादा जगह बन गई है। जिसके बाद असफन हरीम से यही कहता है कि आप जा रही हैं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। यानी उनका रिलेशनशिप देख के समीन एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि हरीम ने पूरा बेवकूफ बना दिया समीन को, उसकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करने वाली है। जिसके बाद हरीम समीन से यही बात कहती है कि तुम अगर कुछ करना चाहती है तो तुम्हें चाहिए, अगर तुम उल्टे मशवरे देने लग जाती है समीन को उसका घर खराब करने के लिए, यानी उसको फराज की नजरों में गिराने के लिए उसको उल्टे पुल्टे मशवरे दे रही है और बेचारी समीन को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हरीम की बातों में आ जाएगी। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि फराज जिस लड़की से मोहब्बत करता था, यानी अमरीका जाना चाहता था, उसे शादी करना चाहता था, वो लड़की अचानक से पाकिस्तान आ जाती है और फराज से घर पे आ जाती है। फराज एकदम सरप्राइज हो जाता है जब उस लड़की को देखता है। तो वहीं पर समीन भी होती है, समीन काम कर रही होती है। जब समीन फराज और उस लड़की को इतना क्लोज देखती है तो समीन भी वहां पर आ जाती है। लेकिन वो लड़की जब समीन को देखती है कि फराज का इसके साथ क्या ताल्लुक है, यहाँ पर कौन है, तो एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है वो लड़की। जिसके बाद फराज से वो अपना रिलेशनशिप खत्म कर देगी। यानी फराज में बहुत ज्यादा गुस्से होती है। ये सब कुछ हो जाने के बाद फराज की वालदा को बहुत गुस्सा आता है समीन के ऊपर, जिसके बाद वो समीन को डांटने लगती है और उससे यही कहती है कि इस घर की तुम इज्जत कभी भी नहीं हो सकती और आइंदा के बाद अगर तुम मेहमानों के सामने आई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम सिर्फ यहाँ पर एक मजबूरी की वजह से लाई गई हो। समीन ये बातें सारी सुन सुन के थक चुकी है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे समीन की वालदा उसको यही कहती है कि बेटा तुमने सबर करना है, सबर से अपना, जिसके बाद समीन की वालदा यही कहती है कि बेटा तुमने सबर करना है और सबर से हिम्मत हौसले से तुमने कामयाब होना है, यानी अपना घर बसाना है। समीन बहुत ज़्यादा रोती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। अगर फराज उस लड़की के साथ अमरीका चला गया और समीन को छोड़ दिया, यही सोच सोच के समीन परेशान हो रही है। जबकि दूसरी तरफ हरीम पूरी तरह खिलाफ कर देती है असफन को समीन के, जिसके बाद हरीम यही बातें बताती है, जिसके बाद हरीम असफन को सब कुछ बताती है और उससे गलत फहमी में डाल देती है। उससे यही कहती है कि आप नहीं जानते कि समीन और फराज के दरमियान जो मुश्किलात है वो सिर्फ समीन की वजह से ही है, यानी समीन ही इस मुश्किलात की वजह है। हरीम की ये बात सुनकर असफन एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है। जिसके बाद हरीम यही कहती है असफन से कि समीन अभी भी कॉन्टेक्ट में है अपने पुराने मंगेतर के साथ, यानी अपने एक्स मंगेतर के साथ। ये बात सुन के असफन बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। यानी हरीम का जो काम था उसने कम्प्लीट कर दिया है, यानी असफन को खिलाफ कर दी है समीन के। जबकि दूसरी तरफ फराज बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी अमरीका वाली जो गर्लफ्रेंड है वो उसको छोड़ के चली गई है, उसने अपना सारा रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद फराज बहुत ज़्यादा दुखी परेशान सा हो जाता है। जबकि असफन यही समझ रहा है कि फराज समीन की वजह से परेशान है, इनके दरमियान ज़्यादा इख्तलाफात आ गए हैं। यानी अब ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आपको ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आपने चैनल को लाजम सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खिराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि हरीम समीन के घर पे चली गई है, यानी उसको बेवकूफ बनाने के लिए। बेचारी समीन बहुत सीधी बहुत मासूम है, हरीम की बातों में आ गई है।
जिसके बाद वहीं पर असवन भी आ जाता है। यानी असवन तो इंटरेस्टेड हो गया है हरीम में, उससे मोहब्बत कर बैठा है। जब वो हरीम को अपने सामने देखता है तो हरीम से यही कहता है कि आप यहाँ पर, यानी हरीम को और असवन का इस तरह से आपस में मिलना, हरीम को यानी असवन को हरीम के इस तरह से आपस में मिलना समीर को एकदम शौक हो जाता है। जिसके बाद समीर यही बात कहती है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले जानते हैं क्या। ये बात सुनने के बाद हरीम उससे कहती है कि हाँ, हम इस तरह से एक दूसरे को जानते हैं जैसे तुम और फराज जानते हो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बात सुनने के बाद असवन के दिल में और ज्यादा गहरी जगह बन गई। ये बात सुनने के बाद असवन के दिल में हरीम के लिए और ज्यादा जगह बन गई है। जिसके बाद असवन हरीम से यही कहता है कि आप जा रही हैं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। यानी उनका रिलेशनशिप देख के समीन एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि हरीम ने पूरा पूरा बेवकूफ बना दिया समीन को, उसकी जिंदगी में मुश्किल पैदा करने वाली है। जिसके बाद हरीम समीन से यही बात कहती है कि तुम अगर कुछ करना चाहती है तो तुम्हें चाहिए। अगर तुम उल्टे मशवरे देने लग जाती है समीन को उसका घर खराब करने के लिए, यानी उसको फराज की नजरों में गिराने के लिए उसको उल्टे पुल्टे मशवरे दे रही है, और बेचारी समीन को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हरीम की बातों में आ जाएगी। जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे कि फराज जिस लड़की से मोहब्बत करता था, यानी अमरीका जाना चाहता था, उसे शादी करना चाहता था, वो लड़की अचानक से पाकिस्तान आ जाती है और फराज से घर पे आ जाती है। फराज एकदम सरप्राइज हो जाता है जब उस लड़की को देखता है। तो वहीं पर समीन भी होती है, समीन काम कर रही होती है। जब समीन फराज उस लड़की को इतना क्लोज देखती है तो समीन भी वहां पर आ जाती है। लेकिन वो लड़की जब समीन को देखती है कि फराज का इसके साथ क्या ताल्लुक है, यहाँ पर कौन है, तो एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है वो लड़की। जिसके बाद फराज से वो अपना रिलेशनशिप खत्म कर देगी। यानी फराज में बहुत ज्यादा गुस्से होती है। ये सब कुछ हो जाने के बाद फराज की वालदा को बहुत गुस्सा आता है समीन के ऊपर, जिसके बाद वो समीन को डांटने लगती है और उससे यही कहती है कि इस घर की तुम इज्जत कभी भी नहीं हो सकती, और आइंदा के बाद अगर तुम मेहमानों के सामने आई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम सिर्फ यहाँ पर एक मजबूरी की वजह से लाई गई हो। समीन ये बातें सारी सुन सुन के थक चुकी है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे समीन की वालदा उसको यही कहती है कि बेटा तुमने सबर करना है, सबर से अपना, जिसके बाद समीन की वालदा यही कहती है कि बेटा तुमने सबर करना है और सबर से हिम्मत हौसले से तुमने कामयाब होना है, यानी अपना घर बसाना है। समीन बहुत ज्यादा रोती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। अगर फराज उस लड़की के साथ अमरीका चला गया और समीन को छोड़ दिया, यही सोच सोच के समीन परेशान हो रही है। जबकि दूसरी तरफ हरीम पूरी तरह खिलाफ कर देती है असवन को समीन के, जिसके बाद हरीम यही बातें बताती है, जिसके बाद हरीम असवन को सब कुछ बताती है और उससे गलत फहमी में डाल देती है। उससे यही कहती है कि आप नहीं जानते कि समीन और फराज के दरमियान जो मुश्किलात है वो सिर्फ समीन की वजह से ही है, यानी समीन ही इस मुश्किलात की वजह है। हरीम की ये बात सुन के असवन एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है। जिसके बाद हरीम यही कहती है असवन से कि समीन अभी भी कॉन्टेक्ट में है अपने पुराने मंगेतर के साथ, यानी अपने एक्स मंगेतर के साथ। ये बात सुन के असवन बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। यानी हरीम का जो काम था उसने कम्प्लीट कर दिया है, यानी असवन को खिलाफ कर दी है समीन के। जबकि दूसरी तरफ फराज बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी अमरीका वाली जो गर्लफ्रेंड है वो उसको छोड़ के चली गई है, उसने अपना सारा रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद फराज बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सा हो जाता है। जबकि असवन यही समझ रहा है कि फराज समीन की वजह से परेशान है, इनके दरमियान ज़्यादा इख्तलाफात आ गए हैं। इन्हें अब ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आपको ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।